गुड मॉर्निंग गाइस। तो है आज है 4 तारीख 4 जुलाई और अपनी श्रीखंड की यात्रा शुरू हो गई है। अभी टाइम हो रहा है 4:30 बजे अभी सुबह के, और अभी हम 4:30 बजे निर्मण से निकल रहे हैं। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको वीडियो क्वालिटी थोड़ी कम लग रही होगी बट थोड़ा मैं आज ना मैनेज करें ना, क्योंकि मैं एक्चुअली अपने M30 से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ऑडियो क्वालिटी भी कम हो सकती है क्योंकि क्या है ना, एक्चुअली जो मेरा ये S23 है इससे मैं रील्स और फोटोज़ वगैरह के लिए रख रहा हूँ इसमें बैटरी ना, क्योंकि 2-3 दिन लग जाएंगे तो फिर चार्ज करने में दिक्कत आएगी, बैटरी नहीं होगी। तो इससे मैं रील्स वगैरह बनाऊंगा इंस्टा के लिए, तो मैं इससे रिकॉर्ड नहीं कर रहा अभी। तो अभी मैं निकल रहा हूँ सीधा सिंगार्ड बेस कैंप के लिए। वैसे तो शायद जाऊँ मैं गाड़ी लगाऊंगा, पर बोलते हैं कि सिंगार्ड तक भी अब रोड निकल गई है, तो लेट्स सी या सिंगार्ड पर गाड़ी लगाएंगे या फिर जाऊँ में ही लगाएंगे और फिर वहाँ से अपना ट्रैक शुरू हो जाएगा। तो यार फाइनली जाऊँ पहुँच गया हूँ, ये देखो ये जाऊँ विलेज आगे, यहीं कहीं हम गाड़ी लगाएंगे और अपना ट्रैक स्टार्ट कर देंगे। और ये देखो यहाँ से श्रीखंड की वाड़ियाँ भी दिखनी स्टार्ट हो गई है और ग्लेशियर तो बहुत ज़्यादा है इस बार। पार्किंग तो मिली नहीं जाऊँ मैं, तो हमने अभी सड़क में लगा दी है और ये आपका जाऊँ है यहाँ पे, ये इधर पार। तो अभी ये पूरा रास्ता हमारे को पैदल ही जाना पड़ेगा। वैसे तो मैं सोच रहा था गाड़ी इस रास्ते में ले जाऊँगा नीचे, बट आगे ये बंदे ने बीच सड़क में गाड़ी लगा दी और यहाँ से रास्ता ही नहीं छोड़ा इसमें जाने के लिए, तो अब फालतू में मतलब इतना पैदल चलना पड़ेगा हमारे को जाऊँ तक। पहले सनग्लासेस आने ही भूल गया, क्योंकि ऊपर ग्लेशियर में ज़रूरत पड़ेगी सनग्लासेस की, वहाँ पे जब वो सुबह अगर धूप लगी ना तो बहुत तेज़ थकती आँखों में। तो अब वापस जा रहा हूँ मैं सनग्लासेस लेना। तो यार मैं तो सोच रहा था कि ऑफिशियल जो यात्रा है ना वो 7 तारीख से है, बट अगर आप यहाँ पार्किंग देखोगे तो भाई साहब बहुत लोग आए हैं ऑफिशियल यात्रा से पहले ही। और मैं जैसे सोलो जा रहा था, मेरे को लग रहा है रास्ते में बहुत लोग मिल जाएंगे, बट ये देखो आप चंडीगढ़ पंजाब सब बहुत लोग आए, हरियाणा। ये रास्ते में शिव शंभू का एक और मंदिर, ओम नमः शिवाय। तो अभी ना यार कम से कम 1 घंटा तो हो ही गया है हमारे को जहाँ से निकले हुए, और रास्ते में देखो आपको शॉप्स वगैरह और टेंट वगैरह रुकने के लिए होम स्टे वगैरह सब अवेलेबल है, तो फैसिलिटीज़ तो पूरी है और कम से कम भी तक से हमने 50 टेंट देख लिए होंगे। भाई ये रास्ता देखो यार, जब लास्ट टाइम मेरी बहन गई थी उस टाइम ये रेलिंग वगैरह कुछ भी नहीं थी यहाँ पे सोचो, और अगर कोई भी यहाँ पे स्लिप हो जाए तो भाई ख़त्म है काम। पर चलो अच्छा है कि इन्होंने अभी रेलिंग्स लगा दी है यहाँ पे। अगर यार आपको रास्ता ना पता लग रहा हो ना, कहीं ऐसा लग रहा हो कि भटक गया, तो फिर हर जगह इन्होंने देखो एरोज भी लगाए हैं वैसे कि आप सही जा रहे हो, तो कहीं भी आपको डबल माइंड हो जाए कि कहाँ को जाना लेफ्ट या राइट, तो आपने एरोज देख लेना, इन्होंने हर जगह मार्किंग कर रखी है वैसे, क्योंकि अगर यहाँ भटक गए ना तो फिर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सिग्नल भी नहीं है यहाँ पे, तो एरोज को प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। तो यार अपने को 1.5 घंटा हो गया चलते हुए, हम 6 बजे निकले थे जाओ से और 7:30 बज गए अभी। और अब देखो ये मैंने सुना था कि लोहे की सीढ़ी है ना, ये यहाँ पे बस ये लास्ट उतर आई है, इसके बाद अब सीधी चढ़ाई स्टार्ट होने वाली है। अभी तक से तो रास्ता कैसा था ना कि सीधा भी था, उतराई भी थी और चढ़ाई भी थी, अब बस इसको उतरने के बाद उसके बाद सीधा चढ़ाई है आगे। और देखो कैसे लोहे की सीढ़ियाँ पूरी नीचे तक, ये देखो। और रही बात अभी तक से तो मैं अकेले ही जा रहा हूँ, और जो ऊपर दर्शन करके आ गए ना बंदे, उनसे मैंने पूछा तो वो लोग तो संडे को निकले थे मतलब, और आज दर्शन करके वापस आ रहे हैं वो लोग। अभी जाते हुए तो मैं अकेले ही जा रहा हूँ, कोई दिख ही नहीं रहा रास्ते में, तो जितने भी बंदे थे वो सारे वापस ही आते हुए मिले अभी। चलो बाकी देखते कोई मिलेगा नहीं तो अकेले सफ़र तय कर लेंगे उसमें, क्या क्योंकि टेंट वगैरह तो सब लगी ही है और ब्रेकफास्ट खाना लंगर सब लगा हुआ है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। भाई बड़ी अच्छी लग रही है ना सीढ़ियाँ, पर एक बार अभी ऊपर देखो जब वापस जाना पड़ेगा हमारे को वापसी में, बाप रे बाप। ये देखो सीढ़ियाँ ढंग से दिख भी नहीं रही है कितनी सारी है, और पूरा ऊपर तक इंक्लाइन है ये तो वापसी में लगेगा पता। गाइस जब भी आप ट्रैक पे आ रहे हो ना तो ऐसे प्लास्टिक मत फैलाओ प्लीज़, अगर तो बायोडिग्रेडेबल है तो कोई दिक्कत नहीं, बट प्लास्टिक वगैरह मत फेंको, क्योंकि फिर इसको डिग्रेड होने में बहुत टाइम लगता है एंड एनवायरनमेंट पोल्यूशन फालतू का।
तो अभी तो चलो हिम्मत नहीं है वापसी में अपना जितना कचरा हो सके, यहाँ जब बैग खाली रहेगा अभी तो खाने का सामान है बैग में, जैसे ही बैग खाली हुआ तो वापसी में जितना हो सकता है चख लेंगे। और अगर आप लोग भी ट्रैक पर आ रहे हो तो प्लीज़ जो आपको प्लास्टिक दिख रहा है वो उठा लेना। तो अभी चढ़ाई तो भाई बहुत ही सीधी है, देखो जंगल ही ख़त्म नहीं हो रहा है, तो जंगल होगा थाचड़ू के बाद काली टॉप आती है एक जगह, वहाँ पे ख़त्म, फिर वहाँ से व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 9:30, 3.5 घंटे हो गए मतलब चलते हुए। हाँ तो यार इतना चढ़ने के बाद फिर से भूख लग रही है, 10 बजी है अभी, और ये रहे हमारे सिड्डू। बैग का वेट भी कम हो जाएगा जितना खाते रहेंगे, क्योंकि खाने का सामान नहीं ज़्यादा है। अगर अभी ना एक नीचे डेड बॉडी ले गए, मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसे दिखानी नहीं चाहिए, बट थोड़ा देख के थोड़ा डीमोटिवेट तो हो गया क्योंकि, बट जिन फिर जो बंदे लोग आए थे पीछे से उनसे पूछा मैंने कि क्या हुआ इनको, तो वो कहते हैं कि ऊपर टॉप पे ना 80 डिग्री का इंक्लाइन है और पूरा ग्लेशियर है वो, तो उसमें उसका पैर फिसल गया था और वो बंदा रुका ही नहीं, और नीचे जाकर उसका सिर बजा, इसलिए बेचारे की डेथ हो गई। शिमला से था लड़का, वो मेरे ख्याल से 25 साल का ही था। तो जब अब ऊपर पहुँचेंगे ना हमारे को वहाँ बड़े ध्यान चलना पड़ेगा, बहुत स्टीप इंक्लाइन है क्योंकि, और ग्लेशियर पूरा ग्लेशियर है स्लिपरी, तो थोड़ा डर तो लग रहा है, बट बम बम बोले सेफली पहुँचा दें। तो यार 1 बज चुका है और काली टॉप पहुँच गया हम। यहाँ पे व्यूज़ तो मतलब काली टॉप से बहुत अच्छे आने थे, बट पूरा ही धुंध है अभी, ये देखो मतलब रास्ता भी ढंग से क्लियर नहीं है। बट अगर बाई गॉड अगर व्यूज़ ये फॉग नहीं होती ना तो बहुत भयानक व्यूज़ थे यहाँ पे, पर चलो क्या कर सकते हैं, कल देखते वापसी में अगर हो कुछ। तो भाई ये काली टॉप के कुछ नज़ारे, अभी थोड़ा और रह गया, काली टॉप पहुँच ही नहीं रहा, बट एक अच्छी चीज़ ये है कि धूप बिल्कुल नहीं पड़ी इस रास्ते में, क्योंकि 12 किलोमीटर ही हुए वैसे तो, और कितने 6 बजे निकले थे ना, 1-2 बजने को आ गया, तो ऑलमोस्ट 8 आवर्स से चल दिया हूँ। तो अगर धूप होती ना तो इतना भी नहीं पहुँच पाते, क्योंकि धूप में फिर गर्मी बहुत लगती है और पानी पीते रहते हैं और रेस्ट करते हैं, पसीना बहुत निकलता, तो मौसम चलो साथ है अपने, बट स्टिल। तो यार थोड़ा सा व्यू खुलने लग गया है अब, ये देखो कितना सुंदर है वैली, देखो आप बाप रे। तो फाइनली हम काली टॉप पे पहुंच गए हैं भाई, व्यू देखो आप एक बार, ये तो चलो थोड़े बादल और फॉग ने व्यू खराब कर दिया, बट फिर भी मतलब फील तो आ रही है। अब यहाँ से उतरा ही है हमारे को अप्रोक्सीमेटली 4 किलोमीटर की, फिर उसके द्वारा चढ़ाई है और भीम क्या था वो भीमद्वारी में स्टे करेंगे हम। तो अभी तो 2 बज रहे हैं तो शायद 6 बज ही जाएंगे वहाँ पहुँचते पहुँचते, तो भाई वहाँ की तैयारी पूरी है, देखो कहीं भी टेंट टूंट हर जगह लगे, इस तरह का था अभी तक से कम काली टॉप तक पहले सीधी चढ़ाई ऊपर को चढ़ रहे थे, और अब हमारे को यहाँ से काली टॉप से द्वारा नीचे उतरना है भीमद्वारी के लिए। हाँ अब कल फिर सही चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी मोस्टली कल, हाँ दर्शन करके आ ही जाएंगे, बाकी लेट्स सी, प्लान तो यही है अभी। और अभी देखो कितना नीचे उतरना है, आपको जूम करके दिखाता हूँ, अगर आपको बंदा दिख रहा होगा तो ये देखो, दिखा ये देखो। तो अभी कम से कम भी 2-1 घंटा भी उतरना पड़ेगा और नीचे, अब नीचे पहुँच के ही व्लॉग बनाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं, और यहाँ पे व्लॉग करने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। तो यार देखो अगर आप आ रहे हो ना खाने की जैसा, बिल्कुल टेंशन ही नहीं है, जो तो देखो टेंट लगे हुए आपको भले ही पे करके खाना पड़ेगा, बट देखो लंगर का आयोजन भी है, ये देखो 9 जुलाई तक है अभी। फाइनली अपने रेनकोट का भी काम आ ही गया क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है, और ये देखो भाई अच्छा हुआ कि रेनकोट तो क्या पहुँचो बोलते हैं, रेन पहुँचो जो भी है, इस काम आ गया क्योंकि बारिश हो रही है। भाई साहब साहब मैं देखो यार
ग्लेशियर आ गया है और हमारे को भी ये पार करना पड़ेगा। है तो छोटा सा ही है, इतना ज़्यादा नहीं है जो हमारे को कद मिलेगा उसके मुताबिक। बैठे हो देखो, बंदा भी जा रहा है अपने ग्लेशियर पर चढ़ने की, चलने की प्रैक्टिस शुरू हो रही है। और ये तो चलो छोटा मोटा है, जो ऊपर अभी कम से कम 4 ग्लेशियर और करने हैं वो तो कल ही लगेगा पता, पर अभी के लिए चलो इसमें देख लेते हैं। यार भाई ये देखो कितना रिस्की, आया तो भी मैं यहीं से था, लेकिन अगर भाई इसमें घुस गए ना अंदर, अगर बर्फ़ हार्ड ना हो तो ये देखो सीधा भाई नाड़े में घुसेंगे अंदर। तो यार ये छोटी छोटी चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है, इसलिए ये डंडा काम है, मार के देखो कि बर्फ़ हार्ड भी है कि नहीं। तो बहुत गड़बड़ होगी, तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है और 4 बज गए अभी एक्चुअली। और मैं सोचा था कि अभी जो टारगेट आपका 6 बजे भीमद्वारी पहुँचने का था ही, अभी भी यहाँ से 2 घंटे पूरे हैं भीमद्वारी के लिए। तो अगर तो ये बारिश नहीं होती तो दिक्कत हो जाएगी फिर बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल भीमद्वारी से 2 बजे निकलनी है कैसे भी करके, वहाँ पर कभी दर्शन हो पाएंगे। तो लेट्स सी अगर थोड़ी कम होती है बारिश तो। गाइस फाइनली मौसम साफ हो गया और वैली खुलने लग गई है, और आप व्यू देखो एक बार। और जो श्रीखंड महादेव की जो वो रेंज है, जो पहाड़ी है, वो स्टार्ट हो गई है। तो अभी टाइम हो गया 6 बज गया, अब बस यहाँ से मेरे ख्याल मैक्सिमम आधा घंटा रहेगा जो हमारा फर्स्ट स्टॉप है ना भीमद्वारी। तो आपको मैं पूरा समरी देता हूँ। हम निकले थे सुबह 6 बजे जाऊँ से, और सुबह 6 बजे से हम चल ही रहे हैं, और बस 6 बजने ही वाले हैं अभी, और पूरे 12 घंटे से चल रहे हैं, और अभी भी मतलब हम बेस कैंप नहीं पहुँचे। तो होपफुली, वैसे तो अंधेरा भी 8 बजे ही होता है, अगर हम तब भी मजे मजे से भी जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी देखो हम पहुँच ही गए हैं। इस पहाड़ी के पीछे ही है शायद भीमद्वारी, भाई से पूछ रहे भैया भीमद्वारी कितना दूर है, कितना टाइम लगेगा? अच्छा इसकी पहली तरफ ही है ना, ठीक है। तो भाई पहुँच ही गए ऑलमोस्ट इसकी पतली तरफ, जो ये टेंट दिख रहा है ना आपको, इसकी तरफ पतली तरफ ही भीमद्वारी है। तो फाइनली अपना डे एंड होने वाला है, बाकी वहाँ पे पहुँच के एक बार कंक्लूड कर देंगे व्लॉग को। तो भाई हिमाचल से होने का ना एक फ़ायदा तो है, अभी जयपुर के बंदे मिले थे तो कहते कि हमारे को 2.5 दिन लग गया अभी यहाँ तक आने में, जहाँ पे अभी हम हैं इस पॉइंट में, अभी भी पीछे छोड़ दो उनको। और हमने जब कहा कि भाई हम तो सुबह 6 बजे निकले और तब से चल ही रहे, तो बंदे परेशान नहीं हो गए, भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम लोकल बंदे चल लेते हैं। भाई फाइनली अपने बेस कैंप में पहुँच गए, ये भीमद्वारी बेस कैंप, और यहाँ पर भाई टेंट से देख लो कितने, बहुत बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कम से कम भी 100 टेंट लगे होंगे यहाँ पे। तो अगर आप आ रहे हो ना तो फर्स्ट डे तो यही प्लान करो कि यहीं रुकना है। और वैसे अपने पास टाइम तो है, ये ऊपर पार्वती है, ये दिखाता हूँ, ये देखो ऊपर वाले जो टेंट दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये पार्वती वाले टेंट है। अगर आप में चल सकते हो और तो ठीक है, बट वहाँ पर मैं इसलिए प्रेफर नहीं कर रहा कि ऑक्सीजन थोड़ी कम होगी वहाँ पर, ऐसा लोग बोल रहे हैं, बाकी मेरे को नहीं पता। और अभी भी अगर हम चलना चाहें तो अभी तो 6 ही बज रहे हैं, तो फिर 2 मैक्सिमम में 1 या 1.5 घंटा और लगेगा हमारे को ऊपर जाते हैं, और 8 बजे वैसे भी अंधेरा होता है 8 बजे, तो हम पहुंच तो सकते हैं, बट डाउट है, वहाँ कोई बोल रहा है कि वहाँ खाने की फैसिलिटीज़ भी नहीं है, तो पता नहीं भाई, अब देखते हैं। हम तो सोच रहे हैं कि यहीं पर रूम लेते हैं, सॉरी टेंट्स लेते हैं, तो चलो टेंट लेते हैं नीचे फिर देखते हैं। फाइनली अपना टेंट फाइनल कर दिया है, तो मैं रुकने वाला हूँ इस टेंट में, अभी भैया सफाई कर रहे हैं यहाँ पर, और ठीक है, मतलब रेट 480 के आसपास मिल रहा है हमारे को, और डिनर भी सामने अपना यहीं बन जाएगा ये इधर, तो ठीक है अभी 6 बजे अब रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि सुबह 2 बजे निकलना है हमारे को। छोटा सा पीस लाना है।